तो दोस्तों बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और आज हम लगाने वाले हैं बोगनवेलिया की कटिंग। देख सकते हैं मैंने कुछ कटिंग ले रखा है, इसी को आज हम कटिंग से लगाएंगे। और दोस्तों कलर देख सकते हैं आप, पिंक कलर का है और एक कलर है देख सकते हैं इसमें येलो एंड वाइट कलर का है, दो कलर का है इसमें। तो इसी को आज हम कटिंग से लगाने वाले हैं और हम किस तरह से कटिंग लगाते हैं सारा कुछ इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों, और हमारे चैनल में नहीं है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैंने कटिंग ले लिया और नीचे की ओर आपको शार्प कट लगाना है। और दोस्तों जब भी आप किसी ब्लेड या चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो फंगीसाइड आप लगा दें या फिर किसी डिटॉल वगैरह से उसे साफ़ कर लें, उसी के बाद आपको जो कटिंग करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने सारा कटिंग को साइड कर दिया है और अब हम पॉट में इसी को, छोटे पॉट में इसको हम लगाएंगे। तो मेरे पास चार खाली पॉट पड़े हुए थे तो इसी पे आज हम कटिंग को लगाने वाले हैं। और दोस्तों आप जब भी कटिंग लगाएं बारिश के मौसम में ही लगाएं, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है बारिश के दिनों में। और दोस्तों मैंने जो मिट्टी है मिट्टी भी बना के रखा है देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ कोकोपीट और बालू और पत्तों की खाद को हम डाले हुए हैं इसमें, और इसी में आज हम कटिंग को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जो मिट्टी मैंने बना के रखा है इसमें डालना है सभी में, इस प्रकार से आपको डाल लेना है सभी में। तो देख सकते हैं सभी पॉट में मैंने मिट्टी भर दिया है और अब हम इसमें लगाने वाले हैं कटिंग। तो चलिए हम किस तरह से कटिंग लगाते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं। और जब भी दोस्तों आप कटिंग लगाएं, किसी तरह का कटिंग लगाएं, पतला मोटा बोगनवेलिया का कटिंग लग जाता है, तो इसे पतले से पतले कटिंग को फेंके ना, सभी कटिंग को आपको लगा देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी पत्तों को आपको निकाल लेना है और नीचे की तरफ आपको शार्प कट लगा लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको शार्प लगाना है और साइड साइड में आपको स्क्रैच कर देना है ताकि जो रूट है जल्दी निकल के आ जाए। 15 से 20 दिन में आपका जो रूट है निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा या फिर हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हम एलोवेरा का प्रयोग किए हैं। और दोस्तों जब भी आपको कटिंग लगाना है तो आपको सारे पत्ते को कुछ इस तरह से सभी को कटिंग कर लेना है ताकि जो रूट बनने में आसानी हो और जल्दी रूट बने। तो कुछ इस तरह से आपको सभी को कटिंग करके जितना भी कटिंग आप लगाएंगे सभी में साथ कटिंग लगाने के बाद साइड साइड में आपको स्क्रैच करना ज़रूरी है। अगर आप स्क्रैच नहीं करते हैं तो आपका जो कटिंग है ख़राब होने का चांस रहता है और सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जितने भी कटिंग है, कटिंग का जितना भी लीफ है सारे को हम रिमूव कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर से कटिंग लगा देंगे सभी को।
दोस्तों देख सकते हैं सभी लीफ को मैंने रिमूव कर दिया है और मैंने जिस तरह से उधर दो ठो कटिंग लगाया था उसको उसी तरह आप सभी को लगाना है। सारे जो कटिंग है आपको स्क्रैच करना है और आपको एलोवेरा या फिर हल्दी का प्रयोग करना है। इसी तरह आप लगा सकते हैं कटिंग और आपका कटिंग सक्सेसफुल होगा, 100% आपका कटिंग सक्सेसफुल होगा। इस तरह अगर आप लगाएंगे कटिंग को तो आपका जो कटिंग है कभी मरेगा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली मैंने सभी कटिंग को छोटे छोटे पॉट में लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। और दोस्तों इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप ना लगे, इसे छांव में रखना है और ऐसी जगह आपको रखना है जहाँ बारिश का पानी इसे हल्का फुल्का पड़ते रहे, वैसी जगह रखना है इसे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहें दोस्तों।